हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चार तरह से पिज़्ज़ा बेस बनाने का बहुत ही आसान तरीका। सो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम पिज़्ज़ा बेस बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए आधा कप मैदा। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, एक छोटा चम्मच पीसी हुई चीनी डालेंगे, एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, एक चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर, डेढ़ छोटा चम्मच इसमें हम ऑयल डाल देंगे, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें 1/4 कप दूध डालेंगे। दूध हम रूम टेम्परेचर पर यूज़ करेंगे, बहुत गर्म या ठंडा नहीं लेना है। अच्छे से मिलाते हुए इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है और लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से गूंद लेना है। डो बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये ऊपर की तरफ से ड्राई ना हो। अब इसे कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए सेट होने देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं डो को रखे हुए, एक बार और हल्के हाथ से इसको मसल लेते हैं। बेलने से पहले इसे इस तरह से बड़ी लोई का शेप दे दें और हल्का सा इस तरह से स्प्रेड कर दें। अब इसे बेलन की सहायता से मीडियम थिकनेस में बेल लें। अगर बेलने समय डो चिपके तो आप सूखा मैदा यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसकी थिकनेस परफेक्ट है ये। अब एक फॉर्क से इसके बीच में प्रिक करते जाएं, साइड को थोड़ा सा छोड़ देना है और बीच में इस तरह से प्रिक कर लेना है। ऐसा करने से पिज़्ज़ा बेक होने समय रोटी की तरह नहीं फूलेगा। तो अब ये पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल तैयार है यूज़ करने के लिए। आप इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा लें, चीज़ डाल दें और जो भी टॉपिंग्स आपको यूज़ करनी है वो लगा करके इसको बेक कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे सेकंड पिज़्ज़ा बेस। तो इसके लिए हम लेंगे 1/2 कप गेहूं का आटा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून इसमें पाउडर शुगर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और अब इसमें 1.5 टीस्पून ऑयल डाल देंगे, आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसका डो तैयार करने के लिए थोड़ा गर्म दूध लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून विनेगर यानी कि सिरका, आप चाहे तो नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेडी है। तो अब इसको हम आटे के मिक्सचर में डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ डो तैयार करेंगे। तो इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर लेंगे। अब इसको कवर करके 10 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार और हल्के हाथ से इसको मसल लेंगे ताकि ये वापस से बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। अब डो को एक बड़ी लोई का शेप देंगे इस तरह से और इसे मीडियम थिकनेस में बेल लेंगे या पिज़्ज़ा की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग पतली या मोटी रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से बेलने के बाद अब फॉर्क से बीच बीच में प्रिक कर ले, साइड को थोड़ा सा छोड़ देना है। तो ये लीजिए आटा का पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मैदा का पसंद नहीं है तो आप इस तरह से आटा से भी बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे तीसरा पिज़्ज़ा बेस। तो इसके लिए हम लेंगे 1/3 कप रवा यानी सूजी और 1/4 कप इसमें हम डाल देंगे गेहूँ का आटा। लगभग 2 चम्मच इसमें हम ऑयल डाल देंगे, बटर भी डाल सकते हैं आप। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच डाल देंगे पीसी हुई चीनी। इस पिज़्ज़ा बेस को हम बनाएंगे इनो से। तो इसमें 1/2 छोटा चम्मच इनो डाल देंगे, लेमन फ्लेवर का मैंने यूज़ किया है और इसमें डालेंगे 1/4 कप फ्रेश दही। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो सॉफ्ट डो तैयार करने के लिए इसको हमें लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छे से गूंदना है, क्योंकि रवा को फूलने में और सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसे 4 से 5 मिनट तक गूंदना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये डो के फॉर्म में आ गया है। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा करके इसको ग्रीस कर लेते हैं और इसे हमें कवर करके लगभग 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और सेट हो जाए। तो ये सूजी का डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक बार और हल्का सा गूंद लेते हैं इसको यूज़ करने से पहले। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो आप डो को बड़ी लोई का शेप देंगे और हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे। अब इसे भी मीडियम थिकनेस में बेल लेंगे और अगर बेलने समय डो चिपके तो आप सूखा मैदा या आटा यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी थिकनेस परफेक्ट है। अब फॉर्क से बीच में प्रिक कर लेंगे, साइड को थोड़ा सा छोड़ देना है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इनो का यूज़ करके इस तरह से भी पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं। तो ये अब बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। अब हम बनाएंगे फोर्थ यानी सबसे लास्ट वाला पिज़्ज़ा बेस। तो इसके लिए हम लेंगे हाफ कप मैदा, हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून पीसी हुई चीनी डाल देंगे और 2 टीस्पून इसमें डाल देंगे ऑयल। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं मेल्ट करके। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच रवा डाल देंगे, बारीक या मोटी आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच फ्रेश दही डालेंगे। ये मैंने मीडियम साइज़ का एक उबला हुआ आलू लिया है, इसको हम ग्रेट करके डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पिज़्ज़ा बेस में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो ये भी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इस तरह से भी पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद इसको भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गूंद लेना है। ये देखिए, डो बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हो गया। इसे भी हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे। ऐसा करने से डो की जो ऊपरी परत है वो ड्राई नहीं होगी। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तो डो ने 10 मिनट रेस्ट कर लिया है। अब इसको यूज़ करने से पहले हल्का सा गूंद लेते हैं। अब अपने वर्क स्पेस पर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क ले, क्योंकि इसका डो थोड़ा स्टिकी होता है। और अब इसको भी हम मीडियम थिकनेस में बेल लेंगे। बेलने समय अगर डो चिपके या स्टिकी लगे तो आप सूखा मैदा यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मीडियम थिकनेस में बेलने के बाद अब साइड को छोड़ते हुए फॉर्क से बीच में प्रिक कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, 4 टाइप्स पिज़्ज़ा बेस तैयार है। आपको जो भी पिज़्ज़ा बेस अच्छा लगे उससे अपनी पसंद की पिज़्ज़ा बना लें और अपना फीडबैक भी शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक इजी डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।